ही से इल्म का हुसूल सलफ सालहीन के सहाबा ताबीन तबे ताबीन के दौर में अगर आप देखेंगे तो असल इल्म और हुसूल इल्म का मरकज ये मस्जिदें हैं। अच्छा, अब रही बात ये जो इदारे हैं, फाउंडेशन है, सेंटर्स हैं, शरई हैसियत इनकी क्या है। शरई हैसियत ये है कि ज़रूरत और तकाजे के मुताबिक इनका कायम करना जायज़ है, इनके ज़रिए से तालीम आम करना, दावत का काम करना, तदरीस का काम करना या इस्लाह का काम करना जायज़ है। जवाज़ इसका हुक्म क्या है? जवाज़ है, जायज़ है, इस शर्त के साथ कि मकसद फौत ना होने पाए। मकसद फौत ना होने पाए, मकसद फौत ना होने पाए का मतलब यह होता है कि ऐसा ना हो कि इन इदारों में, इन सेंटरों में या फाउंडेशनों में या जो भी ट्रस्ट वगैरह कायम किए जाते हैं वो उसी जहनियत, उसी सूझबूझ, उसी नज़रिए के साथ चलाए जाएं जिस अकीदे, नज़रिए और सूझबूझ का दखल मस्जिदों से इल्म हासिल करने में होता है। जहाँ तक हो सके मस्जिदों में और मस्जिदों के बाहर ये चीज़ें कायम करना जायज़ है, वो भी ज़रूरत और तकाजे के मुताबिक जायज़ है। जैसे अल्लाह के नबी के सहाबा ताबईन के बाद के अदवार में मकातिब कायम किए गए। मकातिब यानी मस्जिदों में बच्चों की पढ़ाई होती थी, अब उसके बाद मस्जिदों से मुत्तसिल कुछ कमरे बना लिए गए जहाँ बैठ करके बच्चे इल्म हासिल करते थे, है ना, जिसको हम लोग आज मकतब कहते हैं, कतातीब कहते थे उस ज़माने में। ऐसे ही मिसाल के तौर पर बाद में ये तकाजा और बढ़ा दुनिया के हालात के मुताबिक कि भाई अब ये दुनिया जुड़ चुकी है तो उसके लिए क्या करना है, डिग्रियों की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं पढ़ना है, पढ़ाना है, तालीम है, तरबियत है, दावत है, तो इसके लिए आपको कोई जिम्मेदारी उसी वक्त देगा जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगी, कोई शहादा होगा, है ना, ताकि आपको जाने कि हाँ भाई आपने ये किताबें पढ़ी हैं, ये उलूम आपने हासिल किए हैं। तो इस तकाजे के मुताबिक बाद में मदारिस का क्याम हुआ, मदारिस का जब हलका बढ़ाया गया तो उनकी हैसियत जामियात की बन गई, यूनिवर्सिटियों की बन गई। तो ये सारी चीज़ें, ज़रूरत और तकाजे के मुताबिक हैं अल्लाह तबारक तआला के दीन में। यही हैसियत इन दावती इदारों की भी है कि इन्हें कायम करना जायज़ है उन्हीं मकासद के लिए जिन मकासद के लिए हम मस्जिदों में बैठते हैं। लेकिन मस्जिदों की अहमियत मेरे भाइयों कभी भी, या इन सेंटरों की, इदारों की, ट्रस्टों की, फाउंडेशंस की अहमियत कभी भी मस्जिदों के बराबर नहीं हो सकती। मस्जिदों का जो मकाम है, मस्जिदों की जो हैसियत है, मस्जिदों में बैठकर इल्म हासिल करने में जो रूहानियत है, वो कभी भी इन इदारों के ज़रिए से नहीं हो सकती है। हम खुद बैठ करके देखें, यहाँ हम बैठे हैं तो हमारे दरमियान, हमारे जहनों में एक अलग सोच है, एक अलग रूहानियत है। सेंटरों में या किसी और जगह पर, किसी हॉल में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी, है ना, किसी पिंडाल में बैठ करके हम इल्म हासिल करते हैं तो अलग चीज़ होती है। वो एहसास, वो शऊर, वो रूहानियत, वो अल्लाह तबारक व ताला के दीन और इल्म से लगाव नहीं पैदा होता जो मस्जिदों में बैठ करके होता है। तो ये बहुत ज़्यादा नुमाया फ़र्क है। मस्जिदों की अहमियत की जो बात ब्रदरम ने कही है, क्या इससे मस्जिद की अहमियत में कमी नहीं आ सकती है? इस हवाले से जो बात असल में कहनी है वो ये है कि देखिए, एक है मस्जिदों की अहमियत में कमी आना। अगर हम उस मकसद से हट जाएं जिस मकसद के साथ हम मस्जिदों में पढ़ने पढ़ाने के लिए बैठते हैं, तब तो ये मतलब एक बहुत वाज़ह सी बात है कि मस्जिद की अहमियत को घटाया जा रहा है। बड़ा मसला क्या है? बड़ा मसला ये है कि बाज़ जो सेंटर्स हैं या बाज़ जो इदारे हैं, है ना, जिन्हें ख़ास तौर पर वो लोग देख रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जो इस मैदान के नहीं हैं, है ना, जो इल्म और दावत के मैदान के नहीं हैं, ऐसे लोग जो बाज़ सेंटरों को चला रहे हैं या उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनके यहाँ एक बहुत बड़ा मसला पाया जाता है। वो मसला ये है कि उनके यहाँ मसाजिद में होने वाले दुरूस, मसाजिद में होने वाले प्रोग्राम, मसाजिद में होने वाली तालीमी एक्टिविटीज़ के बारे में ये नज़रिया है कि ये बहुत ज़्यादा लोअर है, बहुत ज़्यादा मामूली और कमतर है। हमारे यहाँ जो तालीम और दावत के काम होते हैं सेंटरों में, ये बहुत ज़्यादा आला है। मस्जिदों में बैठने वाले, सिखाने वाले जो मुदर्रिसीन हैं, वो महज
किसी पिटी बातें सिखाते हैं, किसी पिटी मालूमात बताते हैं, है ना, ऐसी मालूमात जो बरसों से हम सुनते हुए आ रहे हैं, मौलवी हैं, है ना, मदरसों के पढ़े हुए लोग हैं, वो जो बातें बतलाते हैं वो ही पुरानी बातें बतलाते हैं, किसी पार्टी पिटी बातें बतलाते हैं, वहाँ से वो तरबियत नहीं होती, वहाँ से वो तालीम का काम नहीं होता जो सेंटरों से होता है, इदारों से होता है। खुलासा ये है कि वो अपने इदारों को ज़्यादा ऊंचा समझते हैं तालीम और दावत के एतबार से, और मसाजिद में होने वाली, है ना, जो भी सरगर्मियाँ हैं उसको वो कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा ऐब है जिसकी वजह से मसाजिद की अहमियत घटती है, मसाजिद की अहमियत इसकी वजह से घटती है। और ये चीज़ इतना आगे बढ़ गई कि तालीम के मैदान में जो स्कूल काम करते थे उन स्कूलों ने मस्जिदों में होने वाली तालीम और तरबियत को भी अपने स्कूलों का हिस्सा बनाने की कोशिश की। मसाजिद के अंदर मकातिब चलते थे, अलिफ बा से लेकर के, है ना, दो तीन चार पाँच क्लासों तक तलबा दीन की मोटी असासी बातें, फाउंडेशन की बातें पढ़ते थे, और उसके बाद फिर अरबी उलूम में या जिस भी मैदान में उन्हें जाना होता था वो जाते थे। अब इन्हीं स्कूलों में इसी नज़रिए की बुनियाद पर इन मस्जिदों से मकातिब का निज़ाम ख़त्म होता जा रहा है। उन्होंने ये माहौल बना दिया कि जो मकातिब में पढ़ाई होती है उससे ज़्यादा पढ़ाई तो हमारे यहाँ होती है, हम आपके बच्चों को एक साथ में अंग्रेज़ी भी पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, अलजबरा भी पढ़ाएंगे, और साथ साथ में आपको कुरान भी, सुन्नत भी, हदीस भी, सीरत भी, तारीख भी, अरबी ज़बान सब पढ़ा देंगे। आपका बच्चा यहाँ से पढ़ करके निकलेगा तो सक्सेस हो जाएगा, कामयाब हो जाए, और मदरसे में रहेगा तो वही अलिफ़ा पढ़ करके बेचारा नाकाम रहे। ये जो ज़हनियत बनाई गई ना, इसकी वजह से मसाजिद का किरदार जो तालीम के हवाले से था, मकातिब के हवाले से था, मदारिस के हवाले से था, वो तकरीबन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो ये एक बात अच्छी तरह जहन में रखनी चाहिए कि इसका हुक्म इतना सा है कि ये हसब ज़रूरत और मसलहत जायज़ है, हसब ज़रूरत और मसलहत जायज़ है। मिसाल के तौर पर इतनी बड़ी आबादी है कि मस्जिदें कम हैं और इतनी बड़ी तादाद तलबा की मस्जिदों के अंदर बैठ करके नहीं पढ़ सकती है, उसके लिए किसी और जगह का इंतज़ाम करना पड़ेगा, किसी और हॉल का इंतज़ाम करना पड़ेगा, किसी और, है ना, मतलब एक मदरसे की शक्ल देनी पड़ेगी या एक इदारे की शक्ल देनी पड़ेगी, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मकसद वही होना चाहिए, इंटेंशन वही होना चाहिए, सूझबूझ वही होनी चाहिए कि हम खालिस अल्लाह की तौहीद, नबी की सुन्नत, मतलब किताब व सुन्नत के उसूलों से लोगों को पहुँचाएँ। और कहीं भी, चाहे मस्जिदें हों, चाहे मस्जिदों का मिंबर हो, मुसल्ला हो, या ये सेंटर्स हों, इदारे हों, याद रखें कि दीन की तालीम और तरबियत के जो अहल हैं वही काम, वही उस काम को अंजाम देंगे। आम तौर पर इसकी अहमियत भी घटाई जाती है, तालीम और तरबियत के मैदान में जो मुतखस्सिसीन हैं उनके किरदार को मजरूह करने की कोशिश की जाती है, और जो आउटसाइडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। इसकी बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे शवाइद हैं जिसका ये मौका नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल एक हमारे सामने है, हिंदुस्तान जो इस्लामी हुकूमत नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कुफ्र कर रहे हैं, यानी ऐसा हुक्म, ऐसा मुल्क है ये, तो इस पर हमें रहनुमाई करें। देखिए, इस बारे में शायद इससे पहले बात आई थी कि देखिए, हम लोग दुनिया में जहाँ कहीं रहें, वो मुल्क इस्लामी है, गैर इस्लामी है, सेकुलर है, पूरे तौर पर गैर इस्लामी है, हमें अल्लाह ताला का हुक्म फॉलो करना है, इत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, इत्तकुल्लाह मस्ततअतुम, अल्लाह तबारक व ताला का तकवा अख्तियार करो तुम्हें जितनी ताकत हो, हस्बे इस्तिताअत, अपनी ताकत भर हमें अल्लाह के दीन पर चलना है, हमें अल्लाह के दीन पर अपनी ताकत के मुताबिक चलना है, जहाँ जैसा, जहाँ जितना मुमकिन है हमें उतना अल्लाह के दीन पर चलना है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे उतना ही पूछेगा जितना हमारे बस में। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व ताला किसी भी शख्स को उतनी ही जिम्मेदारी किसी पर डालता है जितनी उसे ताकत है। हम इस मुल्क में हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कुल्लम कुल्ला कुफ्र हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि हर तरह के, हर मजाहिब के, हर धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए जाहिर है कि अपने अपने धर्म पर वो अमल कर रहे हैं, लेकिन हमें बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मत इस्लाम, बहैसियत उम्मत कुरान,
हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इस मुल्क में अपने दीन के मुताबिक जितना अमल कर सकते हैं अमल करें, जहां हमारे बस से बाहर हो जाएगा वहां हम माजूर हो जाएंगे, अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा। इसी पर हमें चलना है, इसी पर हमें चलना है, यही नजात का रास्ता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इससे निकलने की अगर कोई सबील आ जाएगी, है ना, जैसे हमने कहा कि हिजरत का एक रास्ता बीच में बाकी बचता है, अगर हिजरत का रास्ता बन जाएगा तो ठीक, हिजरत करेंगे। अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए बाकायदा कुरान करीम में सिलसिले में सख्ती के साथ ताकीद है ना, जो लोग हिजरत करके, है ना, ऐसी जगह पर नहीं गए जहां अल्लाह के दीन पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते थे, तो अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया, अलम तकुन अर्दुल्लाही वासियतन फतुहाजिरू फीहा, क्या अल्लाह ताला की जमीन कुशादा नहीं थी कि तुम हिजरत करके वहां चले जाते। तो कुशादा नहीं है तो कोई बात नहीं है, कुशादगी आ जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी बन जाए, क्योंकि मुसलमान मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारे ये अल्लाह तबारक तआला को मतलूब है। अब इस मकसद के लिए जितनी पॉसिबिलिटी है उतना जिम्मेदार है, जितना उसके बस में उतना जिम्मेदार है, नहीं उसके बस में नहीं जिम्मेदार है। मेरे भाइयों, अगर हम इस तरह के माहौल में भी अगर आ जाएं, मिसाल के तौर पर कि हमारे लिए मस्जिदों की बनाने की परमिशन ना रहे, मिसाल के तौर पर, तो क्या हम नमाज नहीं पढ़ेंगे? नमाज पढ़ेंगे, बगैर मस्जिदों की नमाज पढ़े, है कि नहीं? पानी ना मिले तो क्या तैमम से वजू, तैमम से नमाज नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। अगर तैमम के लिए मिट्टी ना मिले, फर्ज कर लो कहीं कोई ऐसी नौबत आ जाए, हमको आपको इस्तेमाल करने की गुंजाइश ना हो, तो क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, उसी हालत में पढ़ेंगे जिस हालत में हम हैं, नापाकी के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह हमारी ताकत को देखता है कि हमारे पास इतनी ताकत है, हमारे पास लिबास है, लिबास के साथ पढ़ेंगे, ये लिबास कम है, एक कपड़े में पढ़ेंगे। अल्लाह न करे अगर एक कपड़ा भी मैसर ना हो तो बगैर कपड़े की नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह का दीन यही तो खूबी है इसकी कि क़यामत आ जाएगी, इसकी रहनुमाई कभी भी माद नहीं पड़ेगी। कोई ऐसा दौर, कोई ऐसी सुबह शाम नहीं आ सकती, कोई ऐसा सेकंड जिंदगी में नहीं आ सकता जिसमें अल्लाह का ये दीन हमारी रहनुमाई ना करता हो, हमारे मुश्किलों को हल ना करता हो। इसलिए कहीं भी इमोशन में, जज्बात में आने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह के दीन पर उतना अमल करना है जितना हमारे बस में। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और किताब व सुन्नत के उसूलों को अपने अहले इल्म से, अपने किबार उलमा से अल्लाह ताला रहनुमाई लेने की और उनसे समझने की तौफीक बख्शे। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।